रहा हूँ सीमा, आप अपनी फॉर्मेशन देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बस थोड़ी ही देर में महागठबंधन के प्रतिनिधि सम्मेलन जो संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है वहाँ शामिल होने के लिए आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हॉल में काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के कामकाज पर रिपोर्ट पेश करेंगे, उस रिपोर्ट में सरकार पर क्या कुछ कमी क्या कोताही है उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष लगातार हमलावर पहले से भी रहे हैं और आज रिपोर्ट कार्ड जारी की जाएगी। संपूर्ण क्रांति दिवस के ऊपर जेपी ने जिस तरह से शासन और प्रशासन को लेकर के बात कही थी उसी के आधार पर नेता प्रतिपक्ष यहाँ अपनी बात रखेंगे। दूर दूर से कार्यकर्ता और गठबंधन में सिर्फ सीपीआई लेफ्ट के जो लोग हैं वो पहुँचे हैं और उसके अलावा आरजेडी के बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे तेजस्वी यादव को सुनने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये हॉल जो है उसमें बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं और आरजेडी के बड़े छोटे लीडर के अलावा पूरे राज्य से कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और उनका एक ही संकल्प है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसको लेकर के हम लोग हमेशा से संकल्प करते रहे हैं इसलिए कि ये सरकार जो है वो पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के रोजगार देने और महंगाई को लेकर के फेल हुई है। नेता प्रतिपक्ष जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं, इन्हीं इस सारे इशू को लेकर के नेता प्रतिपक्ष यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। तो इस हॉल में जो है सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में काफ़ी संख्या में देख सकते हैं कि लोग पहुँचे हैं और ख़ास तौर से ज़्यादातर आरजेडी के जो समर्थक है वो पहुँचे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इससे दूरी बनाई है और क्या मामला है इसको लेकर के कई कार्यकर्ताओं ने खुलकर बात कही कि आरजेडी और कांग्रेस की जो बात है वो बड़े लीडरशिप के अंदर है कि क्या कुछ मुद्दे को लेकर के दोनों के बीच में समझौता नहीं हुआ और यहाँ लोग नहीं पहुँचे। हालांकि बैनर पोस्टर पर लेफ्ट और आरजेडी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने कई ऐसे मामले आए जब विरोध किया, विधान परिषद चुनाव को लेकर के लगातार कांग्रेस ये कह रही थी कि एक सीट मिलनी चाहिए, आरजेडी ने बगैर पूछे हुए सीटों के नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि उस मामले पर कल नॉमिनेशन आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो करने वाले हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका यही कहना है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए कि जब पिछली बार चुनाव हुआ तो उसमें ऐसा लग रहा था कि गठबंधन की सरकार आने वाली है और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनका ये इल्ज़ाम लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रहा है कि उन्होंने सत्ता की चोरी की, पिछले दरवाजे सरकार बना ली। नेता प्रतिपक्ष भी लगातार इस बात को कह रहे थे और कार्यकर्ता भी इन्हीं सारी बातों को इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पहुँचे हैं और सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। आप देख सकते हैं कि स्टेज सज चुका है और नेता प्रतिपक्ष बस थोड़ी देर में आएंगे। जितने भी बड़े लीडर हैं पार्टी के वो यहाँ पहुँच चुके हैं और मनोज झा जो है वो सारी चीज़ों का आकलन कर रहे हैं और कार्यकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, यही हमारा लक्ष्य है। केंद्र की जो सरकार है वो महंगाई को लेकर के फेल हो चुकी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जो घरेलू गैस है उसकी कीमत बढ़ गई है। तो आरजेडी के जो भविष्य के तौर पर तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है उन्हीं विकल्प के तौर पर कार्यकर्ता देख रहे हैं कि वही बिहार का बेहतर भविष्य है, वही बिहारियों जो मनुवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है देश में उसे ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ऐसा लीडर है लालू यादव जिससे सब लोग डरते हैं। और लालू यादव इस वक्त पटना में हैं, सियासी हलचल के बीच उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लोग कह रहे हैं कि लालू यादव और तेजस्वी जब एक साथ जमा होते हैं तो राजनीति में कहीं ना कहीं एक बड़ा इतिहास जुड़ जाता है। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें इंस्पिरेशन के साथ। नमस्कार।